पद्मनी कोल्हापुरी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी हैं, जो मुख्य रूप से मराठी हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। पद्मनी कोल्हापुरी ने बहुत कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने किताब, यादों की बारात और दुश्मन जैसे दोस्तों फिल्मों के लिए कई, सिंगिंग के लिए अपनी बहन शिवांगी के साथ मिलकर कुरुश गाया है। पद्मनी ने विधाता, सात पहेलियां, हम इंतज़ार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। उन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर नामक संगीत एल्बम भी बनाया है। तो हम बात कर रहे हैं पद्मनी कोल्हापुरी जी के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करिए। पद्मनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट बनाई जाए और उसमें पद्मनी कोल्हापुरी को जगह ना मिले, ऐसा होना नामुमकिन है। फिल्म इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार झुकता नहीं आदि फिल्मों के लिए पद्मनी को आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनकी अदाकारी के लोग इस कदर दीवाने थे कि एक साथ तीन तीन शो देखते थे। आज पद्मनी कोल्हापुरी के बारे में हम आपको उनकी जिंदगी के चंद किस्सों से रूबरू करा रहे हैं। 1 नवंबर 1965 के दिन मुंबई के एक मराठी परिवार में जन्मी पद्मनी कोल्हापुरी भले ही सिनेमा की दुनिया में आधा कादा नजर आती हो, लेकिन आज भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दें कि उन्होंने महज 7 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म प्रेम रोग में काम किया और बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर और आशा भोसले की नज़दीकी रिश्तेदार पद्मनी की दिली ख्वाहिश सिंगर बनने की थी। दरअसल उनके पिता नारी नाथ कोल्हापुरी मशहूर शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। बता दें कि पद्मनी की दादी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। ऐसे लता जी और आशा जी की वह भतीजी लगती हैं। पद्मनी कोल्हापुरी ने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने साल 1973 के दौरान फिल्म यादों की बारात में अपनी बहन शिवांगी के साथ कोरस गाया था। इसके अलावा उन्होंने किताब, दुश्मन, दोस्त, विधाता, सात सहेलियां और हम इंतज़ार करेंगे आदि फिल्मों के गानों को भी अपनी आवाज़ से सजाया था। साथ ही उन्होंने मशहूर सिंगर बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पद्मनी कोल्हापुरी ने किंग चार्ल्स को सरेआम किस कर दिया था। यह किस्सा साल 1981 के दौरान रिलीज हुई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग के वक्त का है। उन दिनों ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए थे। प्रिंस ने बॉलीवुड फिल्म के सेट पर जाने की इच्छा जताई तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता के सेट पर ले जाया गया। वहां पद्मनी ने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वह अचानक आगे बढ़ी और प्रिंस के गालों पर किस कर दिया। इस किस की तस्वीरें ब्रिटेन अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी। इश्क में परिजनों को भी भूल गई थी पद्मनी कोल्हापुरी। 7 फेरों के लिए छोड़ दिया था अपना घर। पद्मनी ने जब सिनेमा की दुनिया में पहला कदम रखा उस वक्त वह महज 15 साल की थी। इसके बाद फिल्मी दुनिया में उन्होंने कामयाबी का ऐसा रास्ता चुना जिसका हर कोई कायल हो गया। वहीं साल 1986 के दौरान फिल्म ऐसा प्यार कहां पद्मनी कोल्हापुरी की जिंदगी की ऐसी मूवी साबित हुई जिसने उनकी जिंदगी को नई दिशा दे दी। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। सेट पर पद्मनी और प्रदीप की पहली मुलाकात हुई जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पद्मनी कोल्हापुरी ने अपनी जिंदगी को जब दूसरे पड़ाव पर ले जाने का फैसला किया उस वक्त उनकी महज उम्र उनकी 21 साल की थी। दरअसल पद्मनी ने 14 अगस्त 1986 के दिन महज 21 साल की उम्र में प्रदीप शर्मा को अपना हमसफर बना लिया था। अपने प्यार को पाने के लिए पद्मनी ने परिवार का साथ छोड़ दिया था, वह घर से भाग गई थी। इस एक्ट्रेस के कपड़े गहने पहनकर की थी शादी। अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए
पद्मनी कोल्हापुरी को काफी संघर्ष करना पड़ा। दरअसल जब परिजनों ने उनका साथ छोड़ दिया उस वक्त बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने उनकी मदद की। जब पद्मनी कोल्हापुरी और प्रदीप शर्मा की शादी करने वाले थे उस वक्त पूनम ढिल्लों ने पद्मनी कोल्हापुरी को अपने गहने और कपड़े दिए थे। इसका खुलासा पूनम ढिल्लों ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। बता दें कि पद्मनी कोल्हापुरी और प्रदीप शर्मा का एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक है। पद्मनी कोल्हापुरी ने जब ठुकराई बड़ी फिल्म का ऑफर, स्क्रिप्ट भी आ गई थी पसंद, तो क्या हीरो थे वजह। साल 1985 में राज कपूर एक अलग तरह की कहानी के साथ सिनेमा में प्रयोग करने के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली लेकर आए थे। इस फिल्म में मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म में उन्होंने गंगा का किरदार निभाकर इतिहास रच दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, राज कपूर चाहते थे कि ये रोल खूबसूरत एक्ट्रेस पद्मनी कोल्हापुरी करें, लेकिन पद्मनी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद भी राज कपूर ने कई बार कोशिश की पद्मनी फिल्म के लिए हामी भर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जानते हैं क्यों? एक्ट्रेस पद्मनी कोल्हापुरी ने अपने एक्टिंग करियर में प्रेम रोग इंसाफ का तराजू सत्यम शिवम सुम धर्म और वो सात दिन जैसी कई शानदार फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाया है। पद्मनी कोल्हापुरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत छोटी सी उम्र में की थी। करियर की शुरुआत में एक्ट्रेस हर तरह के किरदार निभा लेती थी, उन्हें किसी तरह के किरदार से कोई परहेज नहीं होता था। लेकिन उनके कुछ फिल्मों के सीन्स को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक्ट्रेस ने इस तरह के सीन से तौबा कर ली थी। फिल्म की शूटिंग के बाद भी तैयार थे राज कपूर। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए मंदाकिनी पहली पसंद नहीं थी, यह सभी जानते हैं, क्योंकि पहले मेकर्स ने पहले यह ऑफर पद्मनी कोल्हापुरी को दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने यह ऑफर ठुकरा दिया था। उसी दौरान मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि वह फिल्म में किसिंग सीन को लेकर बहुत घबराई हुई थी और यही वजह थी कि फिल्म नहीं करना चाहती थी। एक्ट्रेस के मुताबिक मंदाकिनी के साथ 45 दिन की शूटिंग कर लेने के बावजूद राज कपूर उन्हें कास्ट करने के लिए तैयार थे। हालांकि वह मेरी मजबूरी भी समझते थे, लेकिन कि मैंने उनकी इस फिल्म में काम करने से क्यों इनकार किया था? क्या एक्टर की वजह से ठुकराया था ऑफर? पद्मनी कोल्हापुरी राज कपूर की फिल्म को कभी ना नहीं कहना चाहती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जब उनसे पूछा गया कि फिल्म में बोल्ड सीन की वजह से आपने इस फिल्म को ठुकराया, इस पर अभिनेत्री कहती हैं कि जब राज जी मुझसे फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तब उसमें कोई भी बोल्ड सीन नहीं थे, मैं किसिंग सीन करना नहीं चाहती थी। राजीव कपूर से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं स्क्रीन पर किस करने में कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन राज जी ने मुझे एक बार फिर सोचने के लिए कहा, लेकिन मैंने यह फिल्म नहीं की। क्या एक फिल्म के सेट पर ऋषि कपूर को जड़ दिए थे 8 थप्पड़ पद्मनी कोल्हापुरी जी ने? शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर को लगा दिए थप्पड़। बॉलीवुड फिल्म प्रेम रोग में पद्मनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर ने साथ काम किया था। फिल्म के एक सीन के दौरान पद्मनी को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारना था। सीन को परफेक्ट बनाने के लिए राज कपूर ने कई बार रीटेक लिए थे। पद्मनी ने इसके लिए ऋषि कपूर को 8 थप्पड़ लगा दिए। थप्पड़ खाते खाते ऋषि कपूर की हालत खराब हो गई थी और वह गुस्से में भी आ गए। उन्होंने कहा था कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। पद्मनी कोल्हापुरी ने इंडियन आइडियल शो में बताया था कि तुमसे प्यार कौन गाने की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी और उन्हें ऋषि कपूर ने बचाया था। क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी का लता मंगेशकर से है खास रिश्ता? दरअसल श्रद्धा कपूर के नाना लता मंगेशकर के कजन भाई थे, तो इस हिसाब से श्रद्धा लता मंगेशकर की नातिन हुई। श्रद्धा के नाना जी भी अपनी बहन लता मंगेशकर की तरह सिंगर थे। श्रद्धा ने नाना जी क्लासिकल सिंगर थे और यही वजह है कि उनकी नातिन श्रद्धा कपूर के अंदर भी सिंगिंग का टैलेंट है। श्रद्धा ने कई हिंदी फिल्मों में गाना गाया है, वह अच्छी सिंगर हैं।
तो वहीं शक्ति कपूर हुए दामाद, वहीं श्रद्धा के पिता और शक्ति कपूर लता मंगेशकर के दामाद हुए। तो इस हिसाब से लता मंगेशकर का शक्ति कपूर परिवार से खास रिश्ता हुआ। शक्ति कपूर ने शादी से पहले पद्मनी कोल्हापुरी द्वारा जीजा कहे जाने को याद करते हुए कहा था। दरअसल शक्ति कपूर की शादी शिवांगी कपूर से हुई है, जो पद्मनी कोल्हापुरी और तेजस्विनी कोल्हापुरी की बड़ी बहन है। उन्होंने साझा किया, शादी से पहले भी जब मैं फिल्म स्वामी दादा की शूटिंग कर रहा था, तब पद्मनी ने मुझे सेट पर जीजा कहना शुरू कर दिया था। फिल्म के सेट पर प्रोड्यूसर को दिल दे बैठी थी पद्मनी कोल्हापुरी। 21 साल की उम्र में भागकर कर ली थी शादी। पद्मनी कोल्हापुरी ने मात्र 21 साल की उम्र में घर से भागकर शादी कर ली थी। दरअसल हुआ ये था कि एक फिल्म में काम करते करते उन्हें प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले मना कर दिए, नहीं माने, और आखिरकार उन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। दोनों की 14 अगस्त 1986 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा जिसका नाम प्रियांक है। बता दें, पद्मनी कोल्हापुरी के बेटे प्रियांक शर्मा ने 4 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड शाजा मोरानी से शादी कर ली। शादी में पद्मनी की कई बॉलीवुड फ्रेंड्स जैसे भाग्यश्री, जूही चावला आदि ने शिरकत की थी। पद्मनी ने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। की बड़ी बहन शिवांगी की शादी शक्ति कपूर के साथ हुई है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर रिश्ते में पद्मनी की भांजी लगती है।